मैं हूं हैदर वहीद। और मैं हूं मोहित जाफरी। और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। हमारे शोज का, इस सीरीज का कम से कम ये आखिरी शो है इस प्लेटफॉर्म पर। हमारी ये जर्नी जुलाई 2009 पे इस चैनल की एक सिस्टर कंसर्न के साथ शुरू हुई थी। तकरीबन 13 साल बाद इख्तिताम पजीर हो रही है। और हमने इस शो के लिए, क्योंकि आखिरी शो है, हमने फैसला किया कि इस शो में इन 13 सालों में लगभग 2 ऐसे लोग रहे हैं जिनको आप तीसरे एंकर का दर्जा दे सकते हैं, यानी कि वो शो पे इतना आते हैं या इतना आए हैं कि उनको आप शो का होस्ट ही तसव्वुर कर लें। इस शो की शुरुआत में एक साहब थे, उनका नाम था शेख रशीद अहमद साहब। वो हमारे बहुत ज़्यादा फेवरेट गेस्ट थे। उस जमाने में जरदारी साहब की हुकूमत थी, उनका मजाक सब उड़ाते थे और शेख साहब बहुत बेहतरीन तरीके से मजाक उड़ाते थे और मजाक उड़ाना बनता भी था जिस तरह की हुकुमरानी थी। लेकिन एक क्रेडिट है पीपल्स पार्टी का कि वो उड़ने देती थी मजाक आपको, आपके पीछे पैमरा नहीं पड़ती थी। तो एक थर्ड एंकर हमारे बने थे शेख रशीद अहमद साहब। फिर हमने मतलब थोड़ा सीरियसली शो करना शुरू किया और कॉमिक रिलीफ असाइड, तो उसके अंदर फिर दीगर वैरायटी आना शुरू हो गई लोगों की। लेकिन फिर ये शो के आखिरी चंद सालों में एक और तीसरे एंकर उभरे हैं जो समा के नुमाइंदे खसूसी लाहौर से बेस्ड थे, नईम अशरफ भट्ट साहब। तो शेख साहब को बुला के उनके साथ मजाक करना तो अब जरा नामुनासिब है, वजीर दाखिला हैं, उनके हाथ भी काफी भरे हुए हैं आजकल। लेकिन हमने सोचा भट्ट साहब को बुला के उनके साथ मजाक कर लें, उनकी भी ये एक मेरे ख्याल से कारावां का आखिरी स्टॉप है। भट्ट साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ये जाहिर है लाइटर नोट पे हम एक एंडिंग को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जो खबरें इस हफ्ते की हैं और खास तौर पे जो एक सियालकोट से एक हौलनाक वाकई की खबर सामने आ रही है कि जहां पर एक गैर मुल्की शहरी जो कि एक सीनियर मैनेजर था एक फैक्ट्री में, उसको इल्ज़ाम लगाकर, तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर उसको वालेहाना तौर पर उस पर तशद्दुद किया गया, उसके बाद उसकी एक उसकी बॉडी को आग लगा दी गई और इसके लोगों ने वीडियोज बनाए और आग लगाते हुए मजहब के हवाले से नारे भी लगाए गए। और बाद में जो उमूमी तफ्तीश हुई है, जो बादियों नज़र अभी तक तफ्तीश से पता चला है, वो ये है कि ये आदमी अपने काम में बहुत अच्छा था और काम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा था और सफाई पर फोकस कर रहा था। तो उसने उस फोकस की वजह से चंद सियासी जमातों के नामों के पोस्टर्स जिनके ऊपर मजहबी कलमात भी दर्ज थे उनको हटाने का कहा, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा दिया कि वो गुस्ताखी कर रहा है या तौहीन कर रहा है मजहब की, और उसको वहीं पर वहाँ के वर्कर्स या कुछ वर्कर नुमाइंदगान ने तशद्दुद करके फिर उसकी बॉडी को जला भी दिया। अब ये एक डिस्टर्बिंग वाकया, जाहिर है बहुत डिस्टर्बिंग वाकया है, लेकिन पाकिस्तान में अनोखा वाकया नहीं है। ये हम चंद महीनों बाद हमेशा ये करते हैं, लेकिन ये मजहब के इस तरह नाम पर और इतने जल्दी एक्लेमेटाइज होकर शायद इसलिए भी ये बातें सामने आती हैं कि जब भी ये होता है और जिस मजहब के नाम पे जो जमात कर रही होती है, जो ग्रो कर रहा होता है, उसको कैफर किरदार तक पहुंचाने के बजाय हम उनके साथ डीलें करते हुए नजर आते हैं, चाहे उन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया हो, चाहे उन्होंने इमलाक को नुकसान पहुंचाया हो, चाहे उन्होंने अरबों रुपए की स्टेट की मशीनरी को रोक के रख दिया हो, हम हमेशा नेगोशिएट करते हुए और माजरतें करते हुए और मुलायम अगर कोई नजर आता है इस ट्रांजैक्शन में तो स्टेट नजर आती है। इसी तरह ये हम सिर्फ पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत और उनकी पुलिस की बात पे रुक नहीं सकते, नाजायज होगा। तहरीक लबैक के हवाले से ये बातें अगर कर रहे हैं, कल अदम उन्हें कहते हैं फिर हटा देते हैं, उनके जो उनके लीडरान हैं उनकी उनको MPO के तहत पकड़ के रखते हैं, फिर खुद ही रिलीज कर देते हैं, उनकी बेल को ऑब्जेक्ट करते हैं फिर ऑब्जेक्शन हटा देते हैं इस लेवल से। लेकिन आगे भी जाएं, जिन लोगों ने 70,000 पाकिस्तानियों को शहीद किया है उन लोगों के साथ भी हम मुआहदे कर रहे हैं और उन लोगों को भी हम फिर इसी तरह की माफ़ी देते हैं जिनसे हमने लड़ने का तहिया किया था। तो जब स्टेट अपनी रिट को बार बार मुलायम करके पेश करती है तो फिर अपने काम निकालने के लिए भी लोग समझते हैं कि चलने जी करके देख लेते हैं। और ये बर्बरियत है, ये एक एजुकेशनल फेलियर है, ये एक सोसाइटल फेलियर है, ये बहुत हर तरह के फैब्रिक ऑफ द स्टेट का फेलियर है। लेकिन अब अगर फेलियर है तो इसके बाद रियासत रिएक्ट किस तरह करती है, तो ये जो लोग हैं इनमें से कोई MNA MPA या मजहबी स्कॉलर या 30-40 हज़ार लोगों का कमांडर क्योंकि नहीं है, तो लिहाजा हम समझते हैं थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि इनको हम अंतकी अंजाम तक इनके जस्टिस की कारवां को ले जाएंगे। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इस मुल्क में जहां थोड़ा बहुत भी कोई पॉलिटिकली या अदरवाइज कनेक्टेड इंसान इस तरह की हरकत करे
तो वो या तो बच ही जाता है या उसके फिर मजार बना दिए जाते हैं। ये एक डीप और एंडेमिक सिचुएशन है, इस पर बट साहब की भी रिपोर्टिंग थी। वहीद साहब, इस पर अगर कमेंट करते हैं हम आगे बढ़ें, क्योंकि बट साहब की और भी कुछ खबरें हैं ये पीटीआई के हवाले से और पीएमएलकाफ के हवाले से और इनकी जो अनहोली अलायंस है उसके आखिरकार मेरे ख्याल से पहिए उतर रहे हैं। आप अगर सियालकोट पर पहले कॉमेंट कर लें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सियालकोट की जो बात है वो पूरी कौम के लिए शर्मनाक है, और खासकर क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो है वो हमें फ़ख्र महसूस करते हैं अपनी तहजीब और अपने मज़हब पे, तो जहाँ पे मज़हब के नाम पे इस तरह की बात तो फिर बिल्कुल ही मेरे ख्याल से काबिल कबूल ही सिर्फ नहीं है, बल्कि उसके हवाले से अगर इकदाम नहीं उठाए जाते तो फिर हम बेसिकली जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं इन अ वे कि यही हमारा किरदार है, जो कि जाहिर है कि नहीं है और हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इकदाम उठा के और ठोस इकदाम उठा के जो है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे चेंजेस ला के और सोसाइटल लेवल पे सोच जो है उस पर भी काम करके ही ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। खासकर दुनिया जिस तरफ जा रही है तो इस तरह की सोच की मेरे ख्याल से अब गुंजाइश जो है वो पहले भी नहीं होनी चाहिए थी और अब तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से हैरत अंगेज भी है, वाकया हालांकि होते रहते हैं लेकिन फिर भी ईच टाइम इट इज शॉकिंग इन एंड ऑफ इटसेल्फ। बात अब अगर भट्ट साहब की रिपोर्ट की आ जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि आजकल खासकर भट्ट साहब ये जो पहले तो आपको मैं मुबारकबाद दूंगा और पेश मुबारकबाद जो है कि आप वजीर दाखिला जो है वो बनने जा रहे हैं आइंदा के, क्योंकि पहले जो हमारे साथ तीसरा एंकर थे कम से कम वो तो जरूर बने। आप अब बहरहाल फिलहाल एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ही हैं तो इसलिए उसी जुमरे में आपसे पूछेंगे कि क्यों, और आजकल ये खबर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भट साहब, क्योंकि पीएमएल क्यों किस तरफ जाती है वो इस चीज की अक्कासी करती है कि सेम पेज है या नहीं है। तो पीएमएल क्यों जिसका कि आम तासुर ये है कि वही करती है जो एस्टेब्लिशमेंट उससे कहे, अब ये सही है गलत है जो भी है लेकिन एक तासुर तो है, तो वो फिर जो है ये तो सिर्फ पीएमएलक्यू का तासुर नहीं है, पीएमएलक्यू की तो इसके अलावा भी बहुत सारे तासुर हैं, ये तासुर तो सभी का है भाई साहब। नहीं पर पीएमएलक्यू का तो बहुत खास कर है ना, ये तो नहीं आप कह सकते कि जितना पीएमएलक्यू का उतना तो किसी का नहीं। तो पीएमएलक्यू के हवाले से अगर ये तासुर है तो ये नहीं कि वो तायुन करते हैं हवा के रुख का, लेकिन वो जरूर अक्कासी करते हैं हवा के रुख की। तो हवा का रुख किधर है भट्ट साहब? पीएमएलक्यू इन एंड ऑफ इटसेल्फ शायद इतनी इम्पोर्टेंट जमात ना हो, लेकिन जब वो अक्कासी करती है कि हवा का रुख किधर है तो फिर हवा के रुख की अक्कासी करती है या पंखा है। जी भट्ट साहब, असल में सर मोहित साहब का बहुत शुक्रिया और आपका भी। पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि वज़ीर दाखला बनने के लिए शेख रशीद पहले मुझे बनना पड़ेगा और मुझे माफ़ कर दें, वो बड़े आदमी हैं, मुझे जो नई मशरफ बाटी रहने दें। अच्छा, दूसरी बात जो आपने पूछा है पीएमएलक्यू का, वो ये है कि अब इशू टू इशू बात हो रही है और वही मामला उसी तरह होगा। आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, उससे एक इन्फॉर्मेशन मेरे जहन में आई, इशारतन आपको बता देता हूँ कि मैं जब ये खबर ब्रेक की पीएमएलक्यू से डेड लॉक, फिर कोर कमेटी, फिर बाद में मामला फौरी तौर पे सही भी हो गया, उस वक्त जब एक बड़े साहब से मेरी बात हुई पीएमएलक्यू के, तो उन्होंने एक जुमला बोला और वो एक पिछले दिनों जो तब्दीली आई है उस हवाले से था, और उन्होंने ये कहा कि आपको ऐसे तो नहीं होगा ना कि अब तो जो इनकी साइड वाले थे या साइड लेते थे अब वो उस तरह नहीं है, तो इसलिए अब थोड़ा सा सीधी बात होगी। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसके बाद फिर देखा कि जो इश्यूज थे वो उन्होंने फिर मनवाया, लेकिन दूसरा इसका पहलू ये भी है वो बात बिल्कुल सही कर रहे थे, इसीलिए फौरन उस पर तस्लीम भी किया। वाकई रूरल एरिया को अगर आप इग्नोर करेंगे और सारा कुछ शहर में ले जाएंगे तो ये अच्छा नहीं है, और वो यही कह रहे थे कि तहसील में भी कौंसल हो या फिर सारों को ख़त्म करें और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, और वो बात उनकी मान भी ली गई और कुछ और मामला भी थे। लेकिन एक मेरिट्स पे पीएमएलक्यू सही थी, ठीक है, उनकी बात तस्लीम कर ली गई, ठीक है, लेकिन असल जो इससे बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि क्या उनका रवैया
उससे हम ये गेज कर सकते हैं कि हवा का रुख किधर है। सेम पेज की बात करें, असल बात सेम पेज की है। पीएमएलक्यू तो सुपर स्ट्रक्चर है, मतलब वो तो जहां सेम पेज होगा वहां जाएगा। सर ये वो भी इशू टू इशू है। पीएमएलक्यू अगर और एमक्यूएम और ये सब अगर इशू टू इशू देखेंगे तो सेम पेज का भी यही हिसाब है। दो जैसे कि कुछ अरसा पहले एक मामला नोटिफिकेशन का हुआ, इशू बेस था, आप देख लें उसका वो क्या हुआ, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टीएलपी का मामला आया, इशू था, उसमें भी चीज़ें हमने देखी। और तीसरा मामला आया पार्लियामेंट से बिलों की जो एक भरमार हुई पास करवाए गए, तो वो भी देख लें, उधर मामला पेज बिल्कुल जुड़ गया था। तो ये हर मामला अब उस बरल ये ज़रूर है कि हाँ साहब को फ्रीडम वो वाली नहीं है, लेकिन अभी भी ब्लेसिंग ये ज़रूर है कि इतनी आप देखें कि मौशियत और ये सब कुछ मामला थोड़ा गड़बड़ है, इसके बावजूद जो है कोई हदशे का इजहार अगर नहीं हो रहा, जो कि पिछली अदवार में मुख्तलिफ वो चाहे पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून था, तो हदशात के इजहार भी होते थे, ज़राए से भी होते थे और डायरेक्टली भी, लेकिन अभी तक हाँ साहब को ये तो है कि अगर कोई न्यूट्रल भी है तो उनके लिए ये ब्लेसिंग है। इशू टू इशू पेज को आपने अब देखना है, हो सकता है कि ये मामला कोई ऐसा इशू आ जाए कि वो फिर हल ना हो तो पेज को मजीद नुकसान भी हो सकता है। बट इन अदर वर्ड्स जो मेरा आपसे मजमूई तौर पे सवाल है वो ये कि जॉइंट गोल्स जो समझे जाते थे, कोई 10 ईयर प्लान का कह देता था, कोई कुछ और, मुझे नहीं पता, जॉइंट गोल्स अभी भी हैं या बिल्कुल ट्रांजैक्शनल है कि भाई जब होगा तो देखेंगे वाली अब बात है, वो जॉइंट गोल्स अब नहीं है, क्योंकि दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। बिल्कुल नहीं है सर, तसव्वुर भी नहीं है जॉइंट गोल। ये तो 10 साल क्या है, ये तो मुझे लगता है 10 घंटे का कोई जॉइंट गोल नहीं है, ये तो चल चलाओ चल रहा है जो हालात है इस वक्त तब्दीली ये है। जी, अच्छा, अब दूसरी क्या तरफ क्या? उसी सिक्के के दूसरी तरफ अगर देखें तो क्या इस हद तक तब्दीली है कि ना सिर्फ के ट्रांजैक्शनल है बल्कि झुकाव दूसरी तरफ है, क्या ऐसा तो नहीं? नहीं, झुकाव अभी पीपल्स पार्टी की हद तक तो झुकाव बहुत पहले का हो चुका है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और वो, क्योंकि वो दूसरी बड़ी जमात तो मुस्लिम लीग नून है पीडीआई के साथ, तो वहाँ पर अभी मामला तो उस तरह नहीं है। कोशिशें अगर हुई भी हैं, हो रही हैं, लेकिन अभी कोई ठोस बात नहीं हुई है। ट्रांजिशनल भी उस तरह अभी नहीं कहेंगे, हाँ साहब फिलहाल अभी मौजूद हैं और कुछ अरसा तक वही नज़र आ रहे हैं। तमाम तर अगर कोई ख़राबियाँ जो मईशियत का हाल है या जो जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं पीछे हुए हैं, अभी तक तो हाँ साहब हैं, वही अगले फैसले भी करेंगे। लेकिन अगर इशू टू इशू मामला चल रहे हैं तो कोई ऐसा मामला आ सकता है कि जिसका फ़ायदा अपोजिशन उठा ले। अपोजिशन भी तो आप अपनी देखें ना कि वो किस कदर कमाल की कमज़ोर अपोजिशन है, ज़बरदस्त। क्या मुझे तो वो चौथे पांचवे इत्तेहादी लगते हैं हुकूमत के, वो क्या क्या पीडीएम और सारे का नारा क्या है, वो मेहनत को इज्जत दो, क्या वो क्या है जो शहबाज शरीफ वाला है, मेहनत को काम को इज्जत दो, खिदमत को खिदमत काम को वोट दो। जी जी, खिदमत को वोट दो। हाँ, खिदमत को वोट दो और आप वो तो हुकूमत को कह रहे होते हैं हम हर तरह से हाजिर हैं, आप हमारी तरफ करम की नजर तो एक फेंके, तो आप मुझे बगैर करम की नजर के वो ये किसी वजह के बगैर तो नहीं हो सकता ना, ये इसके पीछे वजह मन तक क्या है? जी ये तो क्लियर है कि अल्लाह भला करे आपका हुकूमत को तो बताने के मूड में एटलीस्ट सड़कों पे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नहीं है, इन हाउस चेंज है कलादाबाद। जी, तो अभी तक तो ये क्यों है ये बताइए। हाँ, जबरदस्त कमाल कर दिया आपने, इसमें दो तीन वजूहत हैं। एक तो अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो जाहिर है उनकी हुकूमत है सिंध में, और ये भी कोई उन्हें खतरा तो रहता है कि पता नहीं अब दोबारा कब आएगी, दोबारा आनी है नहीं आनी, 2 साल पड़े हैं क्यों वो ज़ाया करें 2 दिन भी। और फिर जो पीएमएलएन का देखें कि वो भी मुश्किल से एमएनए कोई बनता है, वो क्यों इतना एक्सट्रीम में जाएं कि वो छोड़ दें हर चीज़। और तीसरी अहम बात जो है वो है केसेस,
केसेस इनकी इन्होंने साबित किया है कि ये इनकी कमज़ोरी बन चुके हैं और ये फंसे हुए हैं। इवन जरदारी साहब का भी आप देखें कि उनको कुछ रिलीफ मिले हैं, मिल रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो मामला तो उनके बड़े संगीन हैं केसेस जो हैं। तो इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका जो रोज़ बरोज़ नीचे अपना सामने चीज़ें आती हैं टीचीज़ और जो इस तरह के जो अगर उनके मुलाजम जो हैं कोई अगर पीएन है ड्राइवर है तो उसके अकाउंट में 1.5 अरब चला जाए तो वो तो फिर साबित तो फिर बताना पड़ेगा और वो ट्रांजैक्शन बैंकों की हैं, वो कोई वो अनऑफिशियल बात नहीं है। नहीं सर वो वैसे अगर आपने ये सारी बातें ये बात आप हाईलाइट कर रहे हैं तो वो जो मरियम नवाज साहिबा वाला केस है कि उन्होंने अपने शेयर बेचे वो लूटा को, वही लूटा जिसने मनी लॉन्ड्रिंग एलिजिडली जरदारी साहब के लिए करी और उसका वादा माफ नाम अच्छा रखा है हाँ नासिर अब्दुल्ला लूटा। अच्छा वो लूटा साहब ने फिर वो शेयर जो है वो वापिस उन्हें बेच दिए और उसके पैसे वो फिर और बहुत कम लिए तो एकदम से उनके पास पैसे भी बहुत सारे आ गए और शेयर भी सारे वापस आ गए। ये इल्जाम है चौधरी शुगर मिल्स वाला। हाँ जी। तो इल्जाम तो सारे बड़े लगे लगाए जबरदस्त हैं। ये कोई आपके और कमाल का मशीन गन में कमाल का मतलब वो शेख रशीद साहब की जो ख्याल था ना एक ही किरदार के नीचे से मशीन गन मिल गई या फिर वो डिक्की में से 15 किलो हेरोइन मिल गई, इस तरह के इल्जाम नहीं है। मतलब ये प्रॉपर इल्जाम है, प्रॉपर नहीं है, नहीं है जिनका जवाब देना होता है जी। बल्कि जो किरदार का आपने बल्कि जिस किरदार का नाम लिया है वो कमाल उसके उस अदालत जो है उनको आगे ना बढ़ाएं जब तक ये इल्जाम आगे नहीं बढ़ते हम ये देखते हैं। अच्छा किरदार क्या फरमाया वही साहब के यही वो एक सेकंड बट साहब वो वही साहब ने कुछ क्लेरिफिकेशन दिया। जी जी वही साहब मैं कह रहा हूँ कि ये जो इल्जामात हैं ये अपना रास्ता और अपनी रफ्तार जो है वो सियासी मामला देखते हुए पकड़ते हैं। लेकिन हाँ सही बात है, लेकिन जब इल्जामात इस तरह के होते हैं ना तो आप उनको रोक के रखने के लिए भी सही समझते हैं क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं प्रूफ तो होगा। इल्जामात वो डिक्की के अंदर 15 किलो हेरोइन टाइप होते हैं तो उसके अंदर फिर अलग तरह के चाल चली जाती है। बहरहाल बट साहब फरमाइए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने किरदार याद कराया, ये लूता साहब वो जो जरदारी साहब वाला केस है वहां पर भी ये मौजूद है। नहीं वादा साहब गवाह है, क्या जबरदस्त। तो मैं कह रहा हूँ जरदारी साहब की भी वो लॉन्डरर, शहबाज शरीफ साहब की भी वो लॉन्डरर, मरियम नवाज साहब से भी उन्होंने शेयर खरीदे। इन लोग सोचें, आप सोचें वैसे कमाल का बंदा है, इन लोगों के पास वैसे यानी कि अगर आप एक दूसरे पे 15 साल से इल्जाम लगाते हैं नहीं तुम चोर हो तो जहाँ जहाँ अपने पैसे घुमाने थे allegedly, तो वो भी एक ही बंदे के थ्रू क्यों करने की जरूरत थी। तो वो चार्ल्स गथरी है ना वो नोटरी पब्लिक जिससे मियाँ साहब अपने जाती पेपर्स भी अटेस्ट कराते हैं, तो सोचा राणा शमीम को भी अटेस्ट करा दो यहाँ से कोई नहीं देखेगा। इसी तरह मतलब एक ही बंदा मिला था आपको पूरी अरब दुनिया में। अब वो भी मामला काफी खराब उल्टा देखे ना, यही डिस्कस हो रहा था आपसे कुछ अरसा पहले भी प्रोग्राम में कि वो जो आप करते हैं उलट हो जाता है। वो आप वो जो राणा शमीम साहब वाला भी देख लें। बट साहब मैंने सोचा है ये इनका फैसला होता है कि यार हम वकील करेंगे अच्छा, लेकिन उसको जब करेंगे जब केस इतना कमजोर कर दें कि सिर्फ अच्छा वकील ही उसका काम कुछ कर सके तो पहले केस कमजोर करते हैं फिर वकील ढूंढेंगे। मेरे ख्याल से इन लोगों का सोचना इस तरह का होता है। ये वैसे मैं हैदर साहब इसका जवाब देंगे। सर लेते हैं ब्रेक के बाद जब फिर से हाजिर होंगे तो वही साहब जो है वो ये कॉन्वर्सेशन बट साहब के साथ वापस आगे बढ़ाएंगे। रफ्तार इसकी और सारी नौयत जो है अगर हम इसी से गेज कर लें कि कन्विक्शन जो है नैब के अंडर सिर्फ 2 प्रोमिनेंट लीडर्स की हुई है वो भी हैरत अंगेज तौर पर 2018 के इलेक्शन से बिल्कुल पहले होती है ताकि वो इलेक्शन लड़ना सकें। उसी के हवाले से अब इनके शफात जिस तरह के आते हैं तो बड़ा समझ आता है कि ऐसा क्यों हुआ था और क्यों जरूरी था। तो ये उसके बाद से हम देखते हैं तलवार लटकाए रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना ज्यादा जरूरी है और केसेस चलाना उनके खिलाफ कम जरूरी है क्योंकि पोलिटिकल जो उनका बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना मेरे ख्याल से प्रायोरिटी ज्यादा है कन्विक्शन हासिल करने से। कन्विक्शन एक दफा होगी तो फिर तो कैंडिडेट ही नहीं रहेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल होती है
तो खान साहब के लिए फायदा सिर्फ इस हद तक तो है कि जितना वक्त गुजरेगा उतना वो करीब आ जाएंगे अपने फैसले करने पे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फॉर एग्जांपल कौन होता है। और जाहिर है कि वो फैसले उनके अगर अपने होंगे और वो उस वक्त तक वजीर आजम होंगे तो फिर पावर डायनामिक फिर चेंज हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि अगर कुछ होना है इलेक्शन से पहले अगर होना है या इलेक्शन अगर पहले होने हैं तो हम अगला साल और अगले साल का जो पहला हिस्सा है उस पे हमें नजर रखनी चाहिए भट साहब के वो वल्नरेबल एरिया रहेगा खान साहब के लिए अगर सेम पेज जो है वो फटता चला जाता है या नहीं जुड़ा उस तरह से जिस तरह आप इंकशाफ करते हैं कि ट्रांजैक्शनली जुड़ता है फिर फटता है फिर जुड़ता है या जो कुछ भी है और जॉइंट गोल्स एटलीस्ट अगर नहीं है लेकिन आप कहते हैं दूसरी तरफ भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो आइंदा जो कुछ माह है मेरे ख्याल से बड़े अहम है। हालांकि लॉन्ग मार्च की कोई डेट नहीं है, हालांकि पीडीएम की रफ्तार कुछ नहीं है, हालांकि रोड पे कोई एजिटेशन नहीं है, हालांकि महंगाई के बावजूद कोई फूड राइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगले कुछ महीने खान साहब के लिए इस हद तक वल्नरेबल देखता हूं। नहीं, वल्नरेबल तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, वल्नरेबल अभी भी हैं, अभी भी हैं। खान साहब ने इसीलिए वुजरा को कहा है 3 महीने कहीं जाना नहीं है, बड़े अहम है, और वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पीछे कुछ 2-3 चीज़ों से वो निकले भी हैं, तो इसलिए दोनों चीजें जहन में रखनी है। वल्नरेबल वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है, वो तो मामला तो बड़े गंभीर है। और जान लिए कि एक सेकंड, अगर आप वज़रा को कहते हैं कहीं जाना नहीं है तो क्या आप एक्सपेक्ट कोई पार्लियामेंट में कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ होने जा रहा है? फिर सर सारा कुछ उसमें आ जाता है। बेसिकली इसमें एक चीज पता लगती है ना जो कन्फर्म है, वो है टेंशन, बेसकूनी है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स, ये कंफर्म होती हैं इस हुक्म से, इस हदायत से। तो इसलिए ये इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि बहरहाल अभी तक एक मिसाल आपको दी है, बड़ी क्लियर बात है कि जो मुआशी इतने हालात अगर हैं और दिन ब दिन रुपये की हालत जो हो रही है और जिस तरह बाकी मामलात हैं, तो अभी तक खान साहब के खिलाफ कोई जुमला, कोई ऐसी बातें, कोई चीज़ें नहीं आई जो के पीछे आती रही हैं। इसलिए फिर बंदा थोड़ा सा जेन अगर बनता भी है तो फिर हम थोड़ा मुतात हो जाते हैं कि शायद अभी भी सपोर्ट उस तरह उन्हें खान साहब को है। तो बाकी वल्नरेबल वो तो मामला तो ऐसे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा एक बात, अच्छा, और आपका व्यू मैं इस पे चाहूंगा, आप किस तरह देखते हैं कि खान साहब कितने वल्नरेबल हैं, क्या सेम पेज है नहीं है और अगला साल में क्या सियासत हो सकती है? मेरे ख्याल में खान साहब जितने वल्नरेबल हो सकते थे वो अक्टूबर में हो गए। उसके बाद से ये मेरे ख्याल से अब खान साहब की वल्नरेबिलिटी नहीं, खान साहब की बैक टू द वॉल अगर है तो फिर वो सिविलियन सुप्रेमेसी के नाम पे या प्राइम मिनिस्टेरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी के नाम पे क्या कर सकते हैं, वहां पे भी ये हिचकिचाहट है। देखिये, आप खान साहब को अंडर एस्टिमेट ना करें, जो एक्चुअल पॉपुलर पावर है वो खान साहब की ही है, वो उन लोगों की नहीं है जो भी आप उनको कह लें। खान साहब भी एक आखिरी शो है, मतलब दिन इसके बाद भी जीने। देखिए, खान साहब जो है वो जो भी आप उनको कहें, लुक ही सेज इट लाइक इट इज, और अगर उन्होंने दुनिया की हर चीज के अंदर सारी बातें बता दी ना तो नुकसान उनका इतना नहीं होगा जितना और लोगों का होगा। और वो अगर इसके धमकाने पर आ जाए तो वो सारे काम ले लेंगे, और वो अगर इस चीज को क्लियर करने पे आ जाए तो वो सारे काम सीधे करा लेंगे। आप सेम पेज कहते रहे, सेम बुक कहते रहे, सेम घर के अंदर आपको वो पेज ना मिले। इस देखिए, प्राइम मिनिस्टर की एक हैसियत होती है, वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में सेकंड होता है किसी वजह से प्रेसिडेंट के बाद, और सेरेमोनियली चीफ एग्जीक्यूटिव होता है मुल्क का, नॉन सेरेमोनियली यानी एक्चुअल काम है वो किसी वजह से होता है, आप उसको जो भी आप हवा बना ले बाकी लोगों को। तो अगर वो एक बात ठन ले कि देखें मैंने ये चाहिए, तो फिर वो फिर यू नो यू डोंट ऑलवेज वांट टू रॉक द बोट। तो ये जो सेम पेज पपेट पपेट करते हैं ना, इतने सारे वजीर आजम जो पाकिस्तान के 90s में और उसके बाद भी उनका जो हाल हुआ, आप समझते हैं खान साहब का वो नहीं होगा? बेसिकली नहीं, मैं समझता हूँ खान साहब का वो अगर हो भी गया तो खान साहब को इतनी परवाह नहीं होगी। दूसरा, मैं समझता हूँ कि खान साहब का वो हाल होना बड़ा मुश्किल होगा बनिस्बत दूसरे वज़राए आज़म के, खासतौर पर पीपल्स पार्टी के वज़राए आज़म के, क्योंकि खान साहब की सपोर्ट पंजाब से है। और तीसरा, मैं समझता हूँ कि खान साहब जो है वो उस प्रिंसिपल पे निकलेंगे ना कि हम तो डूबे ही हैं, वो इस प्रिंसिपल पे कोई वज़ीर आज़म आज तक नहीं निकला, वो बाकियों को डुबाने के लिए जरूर निकला है, लेकिन खान साहब जो निकलेंगे ना उनको पता होगा मेरी किश्ती में तो सुराख है इसलिए मैं निकल रहा हूँ।
अब आप लोग अपनी किश्तियां बचाओ, तो वो आज तक नहीं हुआ और वो जब होगा तो उसके लिए ये जरूरी है भट्ट साहब के, खान साहब के लिए फिर लोग निकले भी, अगर वो ये मार्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि महंगाई का तूफान और बोझ जो है वो आवाम पे ना हो और आवाम उनकी बात पे लबैक कहने की पोजीशन में भी हो। ये तो बहुत अभी इसमें तो बहुत कैसर आई है ना, जाहिर है ये बात सही है जी। नहीं, बट भट्ट साहब आपका क्या? सर खान साहब के लिए मुझे तो लगता है लोग निकलेंगे, अभी भी मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करने देते, और खान साहब को यही तो एक चीज़ है, और वो मुश्किल हालात में भी जब मियां साहब वज़ीर आज़म थे तो वो लोगों को निकालते रहे हैं, और यही उनका एक पॉइंट है और जिससे वो उनसे थोड़ा सा खौफ भी आता है। एक आप इसमें ऐसे कर लें, अभी जो अगर सपोर्ट की बात करनी है तो खान साहब जो हैं वो अभी तक तो उनको, मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला साइन बड़ा कि किसी हद तक कोई उनकी मुखालफत में सपोर्ट हो गई हो। हाँ, उनको अगर थोड़ा सा हाथ खींचा जाता है इशू पे और फिर वो दोबारा हो जाता है, लेकिन खान साहब को एक कुछ इख्तियारात उनके पास हैं, जैसे भी हैं वो उन्हीं के हैं और उनके पास हैं वो अभी तक, इसलिए सपोर्ट भी है, और कोई एक चीज़ सामने विद इन पार्टी भी अगर कोई कुछ अरसा पहले नज़र आई वो भी दब जाती है एकदम आकर, तो कुछ चीज़ें अभी तक खान साहब की फेवर में हैं। नहीं बिल्कुल है भट्ट साहब, और देखिए इस चीज को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, चीफ एग्जीक्यूटिव है। नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव तो है बट पीएमएलक्यू पे असर रसूख उनका है या किसी और का है, एमक्यूएम पे उनका है किसी और का है, जांगी तरी पे उनका है किसी और का है। हाँ, वो जिस और का है वो फिर सोच समझ के ही करेगा ना बात सारी। ये असल में हैदर साहब वो अब शुक्र है वो याद आ गया, मैं पॉइंट मेरे जहन से निकल गया था, वो उसको आप ऐड करेंगे ना तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और ये बकायदा मुझे दो चार जगहों से, अहम जगहों से बताया गया, पता चला है कि खान साहब के अलावा ऑप्शन नहीं है। इस पे ज़रा गौर करें, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। नहीं भाई, अगर होते अभी तो अभी खान साहब अच्छा, नहीं होते ना यार, वो तो बहुत क्लियर है जी। नहीं नहीं, ये देखें, मियां साहब थे, खान साहब ऑप्शन नज़र आ रहे थे, और रोज़ धरने, ये हो रहा है, रैलियां, बहुत कुछ हो रहा है। और देखें भट्ट साहब, मियां साहब को भी नज़र आ रहा था ना कि ऑप्शन है, तो तारिक फातमी जो है वो उनको गायब कर दिया जाता था, परवेज रशीद साहब को निकाल दिया जाता था, वो जो बेचारे लॉ मिनिस्टर थे जाहिद साहब उनको गायब कर दिया जाता था, पीछे हटते जाते थे। खान साहब को तो पता है ना ऑप्शन नहीं है, यानी देखें ये खामा खाई की आप इल्जाम लगाते रहे, लेकिन खान साहब भी यू नो क्रिकेट खेले हैं, कैप्टन है, स्विंग बॉलर। उनके देखें वो उल्टा वो कुर्बान करते रहे, ये बुज़दार साहब से 3.5 साल से डट गए हुए हैं, वो बुज़दार साहब कुछ भी हुआ है, कुछ भी सवाल आने दे। फिर आपकी बात बिल्कुल सर आंखों पे, आपने बड़ी अच्छी बात की, और इट्स अ वेरी एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन कि मियां साहब जो है वो अपने वज़रा की कुर्बानियां देते रहे बावजूद इसके उनके साथ जो हुआ सो हुआ। खान साहब हैं कि बुज़दार हो गए, महमूद खान जो भी हैं, किसी की कुर्बानी नहीं देने को तैयार, तो फिर आपके ख्याल से इशारा इस तरफ तो करता है कि खान साहब डटे हुए हैं, बट दूसरी तरफ ये इशारा कहीं और भी तो करता है फिर कि उनके डटे रहने का नतीजा क्या होगा। तो कहीं क्या नतीजा होगा, कहीं और की ही बता रहा हूं आपको, कहीं और का ही बिलावल भुट्टो साहब को बनाने, कहीं और का ही ये है। हाँ, वो देखे ना ऑप्शन देखे, कहीं और चलें, दो डिस्कस कर लें, आप खुद देख लें, क्या पीपल्स पार्टी उस तरह ऑप्शन है कि खाली सिंध से वो वहां भी अब उन्हें लग रहा है कि कोई हालात पता नहीं, पीपल्स पार्टी अगर थोड़ी बहुत भी ऑप्शन होती ना तो वो पीडीएम के फौरन बाद ही उनको हुकूमत का कुछ हो जाता। जी 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 जी, अभी तक बन चुके होते वजीर आजम। अच्छा, दूसरी तरह आ जाए मुस्लिम लीग नून से, खराबियां इतनी हैं, डिस्ट्रस्ट इतना, आपस में ट्रस्ट ही नहीं है, मिसट्रस्ट है कि वो एक दूसरे का वो कर ही नहीं, एतबार ही नहीं होना, तो वो आप फिर बचा क्या है पीछे क्या मास। और ये अगर आपको पता है, ये अगर हम दबे लफ्जों में इकरार अगर कर पा रहे हैं तो आपके ख्याल में मतलब किसी ने खान साहब के कान में नहीं डाली है बात, अगर उन्होंने खुद सोचा ना भी हो। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने खुद ना सोचा, नहीं नहीं, उनके 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 तर्जुमान रोज याद आ गया, फवाद चौधरी ऑन एयर कहते हैं, मुझे खुद इंटरव्यू में उन्होंने कहा था खान साहब के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है, बात खत्म।
हाँ वो मेरे ख्याल से जिनके लिए ऑप्शन है वो उन्होंने किसी और का समझा होगा, वो मेरे ख्याल से आवाम का कह रहे होंगे आपने जो इस वक्त किया है उनके साथ, वो अब शायद चले नहीं, वो भी मजाक भी सब के कह रहे थे आवाम के लिए, तो ये कह नहीं सकते कैसी बात कर रहे हैं जाफरी साहब आप, जाहिर है कि वो किसके उन्हीं के हवाले से कह रहे थे, आवाम के हवाले से तो नहीं। सही है आप सब लोग जो है वो पूरा फायदा उठा रहे हैं आप इशू का। नहीं मैं यही कहने लगा था आखिरी शो तो बट साहब आपको फिक्रमंद होना चाहिए, जो आगे के वो अभी आपके और इम्तिहान है ना, वहाँ पे बड़े मसले हो सकते हैं। जी 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 मैं बल्कि शुरू में कहने लगा था आखिरी शो है, जल्दी से नहीं छोड़ी मैं, सोच है इस हवाले से मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा, मेरे ख्याल से बट साहब के ऑप्शन इससे बढ़ते हैं घटते नहीं है, नॉलेज करने से ऑप्शंस घटते नहीं है मेरे भाई। हाँ सही बात है बट साहब लगे रहे, आप जो मर्जी के एहतियात का दामन नहीं छोड़ना हमने। सही तो भाई साहब ये फिर अगर स्केच कर देंगे अगला, ये जो विंटर है जो हमारा विंटर ऑफ डिस्कंटेंट होता है हमेशा, जहाँ पे धरने शुरू होते हैं स्प्रिंग के अंदर, वो चीजें अक्लेमेट होती हैं और एक क्लियर टारगेट नजर आता है। अब 3 साल हो गए हैं इस हुकूमत के, मईशत का कोई बहुत बेहतर हाल नहीं है। बट साहब ये कल हम बात कर रहे थे वही साहब और मैं कि ये लेकिन कुछ होता नजर नहीं आ रहा, यानी ऑपोजिशन भी एक हुकूमती पार्टी लग रही है आप कह रहे हैं, लेकिन उसके जो अमलन जो उसका नतीजा नजर आ रहा है वो ये है कि भाई कोई शोर मचाओ, विंटर आ गया है, स्प्रिंग की तैयारी करो, कोई लॉन्ग मार्च हो कुछ करो। जब 10-year प्लान राइट था तो 2 दफा फजल रहमान साहब पहुंच गए, इस दफा कुछ करो, शायद कोई लीक निकले डैम में से। अच्छा जब इनसे पूछा जाता है, ये आज भी मेरी एक दो बड़े रहनुमा अपोजिशन के उनसे बात हुई तो अच्छा लगते हैं वो बड़े होपफुल हैं, और होप क्या होती है उनकी, हम देखें ना जी पहले वाले हालात नहीं रहे, अब हालात बदल रहे हैं, हालात लेकिन कुछ करना भी तो होगा ना, अब तो लगता है वही अब तो ये हमें लगता है कि हमें शायद ज़रूरत ही इतनी ना पड़े, ये खुद ही गिर जाए। मैं कहता सुभान अल्लाह आपको ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, आपने ऐसे ही रहना है, तो ये आप ये इंतज़ार करें। इसका मतलब दूसरा ये है कि वो ये नहीं कि ये कोई वो कमज़ोर हैं, ये सीरियस नहीं है, ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं 2 साल मुकम्मल हों। जी सुन लेते हैं ब्रेक, बाद फिर हाजिर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जन्नत 360। बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम ये शो जो है वो अपने अख्तामी लम्हात में है। मैं जिस तरह हमारे इस शो के जो ये 13 odd years हैं उसके अंदर हमने कोई 5-6 साल प्रॉपर अल्ताफ हुसैन MQM देखी थी, कि जब वो भाई जो है वो सोके कोई दोपहर के 5 बजे और उनका फैसला होता था मुझे अब तकरीर करनी है, तो वो 5 घंटे तक सारे टीवी चैनल जो है वो अपने पैसे ड्रॉप करके उनको रोते हुए या गाते हुए सुना रहे दिखा रहे होते थे। अच्छा तो वो जब शो शुरू करते थे अपना तो वो तमाम ऑडियो मैन और कैमरा मैन और नाम ले लेके उनको जितने भी नाम आते थे वो 15-20 मिनट तो आपके प्राइम टाइम के इस तरह जाया कर देते थे, सबका शुक्रिया अदा करते रहे। ये आदत मुस्तफा कमाल साहब ने भी फिर अपनाई, तो अब मेरे पास कोई 1 मिनट है तो मैं सबके इस तरह तो नहीं तरतीब से और हायरार्की से शुरू हो सकता हूँ, लेकिन सुन सबका शुक्रिया सारे कैमरा मैन का, मेरे ख्याल से दर्जनों ऐसे कैमरा स्टाफ है जिसने हमारे शो के साथ काम किया है, इसी तरह सारे ऑडियो स्टाफ का, सारे PCR स्टाफ का, सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने शो का साथ दिया, सारे प्रोड्यूसर्स एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स सबका शुक्रिया, सारे नॉन लिनियर एडिटर्स जिन्होंने इस शो के साथ काम किया, ऑलवेज मेड इट पॉसिबल टू कम आउट ऑन टाइम। मेरे ख्याल से हमारे शो ने कंसिस्टेंटली ए प्रोडक्शन डिलीवर की है विदाउट टू मच ऑफ अ ब्रेक अनलेस द टाइम टेबल सजेस्टेड अ ब्रेक। जिन लोगों के मैं अगर नाम लेने पे आऊंगा तो फिर मेरे ख्याल से अगर कोई मिसिंग रह जाएगा तो उनके साथ बड़ा बुरा होगा, लेकिन मैं अपने प्रोड्यूसर्स के नाम कम अज़ कम ले लूँ और PCR के अंदर से शोएब उस्मान साहब का नाम ले लूँ, जिनको हम तंग भी करते आए हैं, जिन्होंने कोशिश की है कि तकरीबन हर वक्त हमारा ऑडियो और वीडियो जो है वो सही चल रहा हो, लेकिन प्रोड्यूसर्स को तो मेरे ख्याल से नॉमिनेट करना बनता है। पुरम रियाज साहब ने शो को प्रोड्यूस किया है, रमीज़ अहमद ने प्रोड्यूस किया है, मुस्तफ़ा खालिद ने किया है, अदनान तारिक खान ने किया है, सालिया खान साहिबा ने किया है, मोहम्मद सलमान अभी करते हैं, फरीन सगीर ने किया है, आयशा सदीकी ने किया है,
इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और भी लोगों का रहा है, उन्होंने एडवाइजरी भी की है, अगर मैं किसी का नाम मिस कर रहा हूँ तो मेरी तरफ से माजरत। इन सब का बहुत शुक्रिया। इनमें से अक्सर और बेशतर जो हैं वो देव गॉन ऑन टू बेटर बिगर रोल्स एंड बिगर करियर्स एल्सवेयर। आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की राय के हम हमेशा की तरह मुंतजर रहेंगे। @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है, @HeatherV10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है। मेरी तरफ से खुदाफिज, मैं हैदर साहब की तरफ छोड़ूंगा टू से गुड बाय। मैं भी जो है देखने वालों का, खासकर आपका और चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे ख्याल से एक बहुत लंबी इनिंग्स ये रही जो तवक्को थी, और जब शो शुरू किया था तो सोच भी नहीं सकते थे, इस तरह की सोच थी ही नहीं कि कितना लंबा क्या चलेगा, लेकिन ये एक बहुत तवील अरसे तक ये शो चला। आपने कब बताया, शायद मुझे तो पता भी नहीं था, 13 साल, तो आई थिंक बहुत लंबा अरसा है। और मेरे ख्याल से इसमें हमें जो मौका मिला उसको मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि ये एक प्रिविलेज था, एक राइट नहीं था, एक हमारा हक से ज्यादा मैं समझूंगा कि एक प्रिविलेज था हमारे लिए कि हम जो समझते हैं सोचते हैं वो हमें कहने को मिला, और जिस तरह से कहना चाहते थे वो भी एक हद तक कहने को मिला। पूरी तरह तो शायद वो फ्रीडम्स नहीं है हमारे लिए, लेकिन जिस भी हद तक थे उसको आज मैं सेलिब्रेट करूंगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला कि हमने अपनी राय का हमने इजहार किया। और जाफरी साहब, हमने मिलके और अपने ओपिनियंस के बुनियाद पे शो ज्यादा बढ़ाया, जो भी हमारा शो था, अच्छा था, बुरा था, बड़ा था, छोटा था, लेकिन जो भी था हमारी ओपिनियंस की बुनियाद पे ये शो ज्यादा बना, और जिस हद तक भी इसको पजीराई मिली और जो भी खासकर क्रिटिकल एक्लेम जो भी मिली कम ज्यादा, उसको मैं सेलिब्रेट करना चाहूंगा। और ये एक ऐसा तजर्बा रहा है जो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी हम बुला पाएंगे। और अगेन जाते जाते मैं खासकर देखने वालों का और हमारे हवाले से जिसने कभी कुछ सोचा अच्छा या बुरा, एज लॉन्ग एज कंस्ट्रक्टिव था, उसका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मैं भी, और साथ हमारे गेस्ट का सियासी पार्टीज के भी लोग जो हमारे पास आए, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और चैनल का ऑब्वियसली शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन अ प्रिविलेज। Good luck, everyone. See you somewhere else, maybe sometime soon. Thank you very much.